कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गया तू ही तू। अब तो मेरी नजर में दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है। मेरी चाहत है अब क्या तू नहीं जानती है। तुषार, मैं अब कल करूंगी शाम जी, से। कल 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 सर तो जी, तुम्हें कितने दिन हो गए कहते हुए। अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रही थी ना, तैयार होके दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सूट और बहुत अच्छा मुझे लगा है। कलर इसका बहुत अच्छा है, रबीला की चॉइस बहुत अच्छी है कलर इसकी। मेकअप मैं भी हल्का सा करूँगी अभी बाहर जाने के लिए। वैसे मैंने अभी उधर भी जाना है ना शाह, जो जी मेरी है कमेटी पार्टी है। इस दफ़ा वाली कमेटी पार्टी ज़रा लेट हो गई है, सारी की सारी ईद की वजह से। और वो तो अभी उधर से जी फेंक दो, उधर चक्कर लगाऊंगी। सोफे शायद साफ करने थे क्योंकि काफी सारे मेहमान शेहमान होकर गए हैं ना, तो मैं ये टाइम नहीं हो पाऊंगी। इन सब की छुट्टियां हो गई हैं, सब आगे पीछे गए हैं। अच्छा, जो टर्किश कबाब आपने कहे थे वो भी मैं आपको इस वीक में, एंड ऑफ दिस वीक रेसिपी शेयर करूंगी। पर्दा बिरयानी के अगेन बहुत ज्यादा फरमाइशें हैं, वो इसलिए बनाऊंगी क्योंकि आबिद की कजन आने वाली है, उससे हनी अब इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़े दिन में, आपको बताऊंगी। तो फिर बनाएंगे हम, क्योंकि वो अगर अकेली बन जाए ना वो तो फिर वो खत्म ही नहीं होती है शायद हम लोगों से। छोटे छोटे एक दो काम है, जरा तैयार होके सूट दिखाऊंगी आपको, तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा। कलर बहुत अच्छा है इसका। और जो मैं आप लोगों को जो शॉप F10 वाली दिखाई थी ना, वो है शिबा सिल्क। अब इतने ज़्यादा मेकअप करके अब रिकॉर्ड करती हूँ। इरशाद, ये इरशाद है, दुखी मुँह इसलिए बहुत है क्योंकि जाने वाली है, जाना चाह रही है 12 बजे से। ऐसे में खड़ी है कि बस मैं जा रही हूँ जा रही हूँ। अच्छा जी, मेकअप मैंने कर लिया है। और ये मैंने सुराख नहीं, नाक पीसिंग नहीं है, ये सिर्फ वो है, वो चुटकी वाली है जो है। ये जो पीछे सामान पड़ा है शायद संभाल लेना, कितने दिन से अच्छा पड़ा है नीचे अलमारी में रख लेना। अच्छा तो जानने लगी हूँ आबिद के साथ जरा बाहर, वैसे तो कमेटी पार्टी भी आज है, लेकिन दिल ये चाह रहा है कि आबिद के साथ बैठ के की लंच कर लूँ। क्या करूँ, आइडिया दो शायद। शलवार अपना सूट बहुत प्यारा, जो सैमी बाय नबीला का है, वो भी आप लोगों को मैंने दिखाना है। चलो उधर वाले शीशे में दिखाती हूँ शायद। लाइट ऑन करो जरा। ये देखें, ये है मेरा ड्रेस पूरा, जो अब चेंज करने गए हैं। तो मैंने अभी पूछा जी क्या अंधेरा स्पेशल का अंदर आ जाओ दरवाज़ा। ये है मेरा ड्रेस। अच्छा, जा रही हूँ मैं ये ठीक करवाने के लिए, क्योंकि ये मेरी बहन जो मेरी शर्ट लाई थी ना, बहुत अच्छी एक है शर्ट, इसके ना मीडियम साइज़ नॉर्मली मुझे अब आता है स्मॉल, तो ये वाला जो है इसका, इसके थोड़े से स्लीव्स सेट करवा लूँगी मैं। और वो जो पैंट्स हैं ब्लू वाली वो भी ला दो शायद, जो भी उसका रखते थे सोफे पे जो जो पड़ी थी। सोफे पे पड़ी थी वो थोड़ी सी खुली है, वो भी ज़रा टाइट करवा लूँगी मैं। ये एक दो काम करने हैं मैंने, मुझे इतना अच्छा अपना ये सूट लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। कलर बहुत प्यारा है और खुला, और साथ इसके शलवार है, ये नहीं है कि वो है पैंट्स नहीं है, स्ट्रेट पैंट्स मुझे गर्मियों में नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी। तो ये भी मेरी बहन मेरी लाई थी, ये मुझे ज़रा लूज़ है, कहीं ये भी ज़रा फिट करवा लूँगी, शायद एक बैग में डाल दो। अच्छा जी, ये छोटे छोटे काम हैं जो भी करने लगी हूँ। और मैं देख रही थी कॉन्ट्रैक्टर, जो नया ड्रामा आया है, 5 उसके एपिसोड्स हैं और ज़रा डिफरेंट है, अच्छा है। मर्डर मिस्ट्री नहीं है, पता शुरू में चल जाता है कि कौन मर्डर कर रहा है और क्या हो रहा है दुनिया में, लेकिन ज़रा डिफरेंट है स्टोरी। और ये वो तो ज़रूर देखिएगा आप लोग। एक तो और चीज़ें जो अभी थोड़े दिनों में, अब अच्छा मैं ना अभी ज़रा जाने लगी हूँ, छोटे छोटे जो काम करूँगी ना उसके बाद मैंने जाना है टर्किश फर्नीचर शॉप, दिखा दूँगी आपको मैं, उस पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें आई डाल होती दो और हैं। तो खुश हो हाँ, इसमें डाल दो, हाँ इसमें डाल दूँगी। अच्छा, टर्किश वाली जो शॉप है ना, उसमें उसके फर्नीचर अफ़गानी फर्नीचर उसमें होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आपके घर में एक आधा पीस उसका बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। मैंने तो ये जो मेरा शीशा पड़ा हुआ है, ये भी अफ़गानी है, ये मेरी अपनी बहन से मैंने लिया था। और अच्छा, कारपेट वाली आज मैं इसलिए नहीं जा सकी उधर, क्योंकि मैंने सुना है कि वो खाली वो लोग जिनसे मैंने लेना है वो संडे को अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ आपके साथ को लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। संडे को रिकॉर्ड करूँगी, शायद मंडे को भी, ट्यूसडे को भी होते हैं, ट्यूसडे को भी होते हैं कह रही है, तो ट्यूसडे को इंशाल्लाह चेक कर लूँगी, अगर हुए तो फिर वहाँ भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी।
कपड़े जो सब बार बार सारे पूछ रहे थे, प्लेन सूट्स और वो, उनकी थोड़ा सा फैब्रिक के डिफरेंस है ना, प्राइसेस डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन 2000 से लेके 3000, 3500 तक की प्राइसेस हैं। शीबा F10 में है, वहां से मैंने वो लिए थे सारे, और ये भी वहीं से लिया हुआ है जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, और ये स्टिच्ड है, नबीला ने स्टिच करके मुझे दिया है, तो अच्छा है ना कलर, इनको भी पसंद आया है। वरना ये जो है ना बहुत कम किसी चीज की तारीफ करती है। हाँ, वरना ऐसे पूछती रहती हूँ शायद कैसा है ये, शायद कैसा है, बोलती नहीं है कुछ भी। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ऑर्डर? ये चिकन में बिकेट, चिकन बिकेट, बीफ में, बीफ में, चिकन में, हमारे वाइल्डर में अबाउट होने एक मिनट मैं तो जो हूँ ना, अब्बू को अपना थोड़ा सेकंड होम ही समझने लग गई हूँ। वजह यह है कि बाहर जो निकलते हैं ना हम लोग, हाँ मतलब हम सब लोग ही बता लो, तो बाहर निकलने का मकसद खाना तो होता ही है, आप अपनी चॉइस का खाना भी खाते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप को ज़रा सा बाहर रिफ्रेशिंग लगता है बैठना और सब। नवीद किया हुआ था छुट्टी पे, तो इसलिए घर में कुकिंग वगैरह तो आजकल नहीं हुई, तो अब मैं इधर आई थी कि कुछ खा पी लेती हूँ, आबिद के साथ थोड़ा टाइम गुजार लेती हूँ, और अभी देखो अच्छे नहीं अंदर कुछ नहीं, मैं बैग रखूँगी उसको, और बस बहुत दिन के बाद आए हैं, मौसम बहुत अच्छा है, जैसा ब्लू का दिखाती हूँ आपको। ये वाले फूल हैं जो मैंने लगाए हैं, नर्सरी से कुछ दिन पहले लिए थे, बोगनविला उनकी बड़ी होगी, गमले में है तो लिमिटेड ही बड़ी होगी। एज ऑलवेज इस्लामाबाद हमेशा से अच्छा लगता है और लग रहा है अभी भी। अच्छा जी, तो अभी ना कुछ मुझे मैंने ऐसी खबरें तो सुनी है कि शायद बॉलीवुड मूवीज़ भी खुल जाएंगी पाकिस्तान में। हाँ, खुल जाएंगी, आबिद भी कह रहे हैं, तो अल्लाह करे खुल जाए तो बहुत अच्छा है, मज़ा आता है, ज़रा शाम अच्छी गुजरती है, निकलते हैं, और उससे ये फ़ायदा होगा कि फिर जब लोग निकलना शुरू होंगे ना, तो पाकिस्तानी मूवीज़ देखने के लिए भी जाया करेंगे, तो वो भी एक नवी अच्छी ही बात है। एक दो और मूवीज़ भी आई थी नेटफ्लिक्स पर, मैंने चमकी देख ली है रात को, पता नहीं मैं कौन सी देख रही थी, अभी तो उसका नाम क्या है, कुछ 90, वो भी पुरानी थी, नहीं मतलब मूवी नहीं थी लेकिन 1997 की कोई स्टोरी थी, तो वो मैं आज दोबारा जब कंप्लीट करूँगी तो शेयर करूँगी कौन सी मूवी है कौन सी। निकली तो हूँ जाने के लिए, पता है लंच हुआ है ना, मुझे मज़ा नहीं आया उसका, बहुत ऑयली लगा मुझे आज। ये जो वाइल्ड एयर में वैसे कम ही ऑर्डर करती हूँ, आज मैंने किया था ऑर्डर तो बहुत ही मुझे, अब अल्लाह करे खैर खैरियत से, मैं नज़र चाह रही हूँ कि डाइट थोड़ी अपनी कंट्रोल और चीज़ें ठीक करूँ। टर्किश मार्केट जा रही हूँ, टर्किश फर्नीचर जो है ना, जो अफगानी टाइप है उनका, टर्किश स्टाइल का फर्नीचर, वो ज़रा वहाँ पे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उधर नहीं जा रही अब्बास मार्केट आज, वो फिर किसी दिन और दिन चलेंगे, तो देखते हैं क्या है। अब उधर लास्ट टाइम मैं नादिया के साथ गई थी, तो नादिया ने बहुत सारे लैम्प्स ये वो बहुत कुछ सामान लिया था, तो आज तो वो नहीं आए, तो आज हम दोनों मैं और आप भी जा के देखें, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज क्या है मार्केट में। और प्लीज़ मुझे बताएं कोई ख़ास जगह आप लोग इस्लामाबाद पिंडी की अगर देखना चाहते हैं, पिंडी की बस सोच के बताइएगा, क्योंकि मैं इतना मतलब मुश्किल वाली जगह पे ऐसे चलना फिरना या जाना ऐसा ना हो कि थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन ये कि आप बताएं, जा सकी तो ज़रूर जाऊँगी। दिन के बाद आई हूँ, तो अभी मैं एज ऑलवेज मुझे सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। अच्छा वो मेरे जैसा, आई हैव दिस वन, दिस मिरर एट होम, दिस वन, और काफ़ी साल पहले मैंने लिया था ये वाला जो है ना, जो मैं आपको दिखा रही थी कि चीज़ें अच्छी ही लगी हैं, पसंद आ रही हैं, अब गौर से देखना शुरू करती हूँ, प्राइसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा ये नया है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये है 24,000 का, और ऑफ कोर्स थोड़ा आप बार्गेन वगैरह तो आप करेंगे ही, और
अच्छा नादिया जो मेरी बहन है ना वो लेके गई थी ये वाले इस तरह के लैंप्स। देखिए टीवी कॉन्सोल के लिए बहुत अच्छी कैबिनेट, एज ड्रेसिंग टेबल भी बहुत अच्छी। टीवी क्योंकि अब LCDs वगैरह होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये है 53,000 की। ये लैम्प्स हैं बहुत सारे जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं। ये लिया था नादिया ने ब्रास का ये वाला। अच्छा जी बेड्स भी पड़े हुए हैं पीछे, बेड्स भी नज़र आ रहे हैं। सेंटर टेबल्स बहुत अच्छी हैं। कल मैं जिनके घर गई थी ना आबिद, उन्होंने जो ये वाला ना इसके बेस रखी हुई थी और ऊपर उन्होंने मार्बल टॉप रखा हुआ था जो सेंटर टेबल। अच्छा ये देखिए कितनी अच्छी है, बेड के आगे रख सकते हैं और छोटी सी सेटी टाइप है। रिजर्व्ड पहला मुझे तो अच्छी लगी। ट्रेज लेने का मुझे बहुत शौक है। ये भी देखिए ये 34,000 के, ये सोल्ड है। ये सेंटर टेबल है, ये केक डिश भी मैंने बना के रखी हुई था। का ये केक डिश टाइप भी है, आप अपने डेकोरेशन के पीसेस वगैरह के नीचे भी रख सकते हैं। अब ये इतनी सारी चीज़ें तो जो जो मेरा चैनल इतने अरसे से देख रहे हैं उनको आइडियाज़ तो आ ही जाएंगे। और अच्छा मुझे बेस्ट पार्ट जो उनके फर्नीचर में ये जो लकड़ी के साथ जो रॉट आयरन अटैच हुआ हुआ है ना मुझे बड़ा अच्छा। केक डिशेस नहीं आई हैं, पहले नहीं, लेकिन अच्छी लग रही है। केक डिशेस बोल रहे हैं या जो आपके प्लेटर्स को हाइट देने के लिए जो आप जब डिनर वगैरह करते हैं। सोविनेर भी बहुत क्यूट है। अच्छा जी ये बड़े वाले लैम्प्स हैं, ये फ्लोर स्टैंड लैम्प्स होते हैं, क्यूट है। विंडो के पैनल्स हैं। बी क्रिएटिव, ये आपसे जब आप चीज़ें लें आप उनको बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि मैं करूँगी आप इसको पता नहीं है कि आपको जैसे पिक्चर्स वगैरह या आपने कोई सीनरी वगैरह लगाई है एक पैनल आप उसके एक तरफ एक पैनल लेकर लगा सकते हैं। ये टी कोस्टर्स, ये बेंच बहुत अच्छे हैं। ऑल्दो ये डाइनिंग टेबल मेल फॉर्म ही मुझे ज़्यादा हैवी लग रहे हैं। अच्छा ये कैबिनेट्स अलमारियाँ बहुत सारे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स बहुत अच्छे अच्छे पड़े हुए। ये है पिलर शेप का। एक्चुअली पता बी क्रिएटिव डिफरेंट चीज़ें घर में रखी, ये बहुत अच्छी इनकी सारी बिल्कुल ही नई शेल है, मैंने पहले नहीं देखा इनका नया स्टाइल है। 44,000 का ये है। और ये देखिए कितनी अच्छी है पॉलिश, बहुत ज़्यादा इतना तो आप बनाएं और डिज़ाइन करें तो और कितना अच्छा है ये, बहुत अच्छा लगा ये मुझे। बिल्कुल पेंट अभी भी हुआ गीला सा हुआ है। ये जो ये टेबल्स पड़े हैं बहुत सारे टॉप्स हैं इनकी, मोज़ेक हुआ हुआ इसके ऊपर। ये ट्रंक, अब एक वीडियो बनाते हैं आराम आराम से क्योंकि मैं जब बनाती हूँ ना मुझे उस दिन एक लड़की ने लिखा आंटी आप इतनी तेज़ी से कैमरा चलाते हैं कि मुझे ना बास टाइम लगता है कि मुझे चक्कर आ गए। ये ट्रंक बहुत अच्छा है, इसके ऊपर ये आयरन के साथ काम हुआ हुआ है। ये बॉक्स है। अब तो इर्तुगुल देख के ना हमें पता चल गया टर्किश लोगों का इन बॉक्सेस में वो क्या रखते थे और क्या क्या पड़ा था। ये तीनों बॉक्सेस तो पड़े हैं बहुत अच्छे। अच्छा
रुपए की और इसकी प्राइस है 30,000। सारे सेंटर टेबल्स हैं, वो बड़ी बड़ी कबर्ड्स हैं, वो एक कबर्ड है ग्रीन, उसके अंदर लाइट लगी हुई है, उसके आगे आप बेड के आगे भी रख सकते हो वैसे अदरवाइज। अच्छा जी, ये है F6 में फारूकिया मार्केट, जिधर ये है टर्किश फर्नीचर, और इसकी इधर पास ही बंगाली समोसे वाला, जिसके बहुत अच्छे समोसे होते हैं, मुझे इतने नहीं पसंद, मुझे ज़्यादा एक और जगह के पसंद है जो हमारे घर के पास है। पहले मुझे सदीक के ज़्यादा पसंद थे, इवन जमील वाले से भी ज़्यादा, क्योंकि जमील की भी जो है ना बहुत थिक सी है, कोटिंग सी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको पसंद आया होगा। जो लोग सब मुझे पूछे ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन का मैं फ़ोन नंबर इनका शेयर कर दूंगी, तो आप खुद फिर देख लीजिएगा, अगर किसी को ऑनलाइन वगैरह चाहिए, मतलब चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, और अगर ये भिजवा सकें तो कह तो रहते हैं हम भिजवा देते हैं। ऑफकोर्स अमेरिका का तो मुझे नहीं पता वहाँ भिजवा सकेंगे या नहीं, लेकिन आप देख लीजिए उनसे बात करके, हाउ दे कैन हेल्प If anyone is interested, तो क्या हो सकता है। तो अभी हम चलेंगे अब घर, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई बात के साथ। कारपेट कल मोस्ट प्रॉबेबली, अगर वो मार्केट खुली हुई तो हम लोग कल कारपेट देखेंगे, क्योंकि कारपेट मुझे लेना है, मेरा पूरे लाउंज की जो लुक है ना वो उसके साथ ही ज़रा कम्प्लीट होगी। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, ये स्कार्फ आपको याद होगा जो मैंने लिया था कराची कंपनी से, और मैंने आपको बताया था इसका मटेरियल और सब कुछ बहुत अच्छा है। उसके बाद चाइना मार्केट का भी एक जो विज़िट हुआ था ना मेरा, उसमें भी मैंने आपको स्कार्फ्स की प्राइस बताई थी, 5,500 के कराची कंपनी में थे, और चाइना मार्केट में ज़्यादा थे, ज़्यादा महंगे थे। लेकिन जी अभी तक
मेरा बहुत ही फेवरेट है आजकल, तो पहन भी मैं रही हूँ। मौसम भी इस किस्म का है कि स्कार्फ के साथ आपको ना बहुत एक कंफर्टेबल सा लग रहा है, क्योंकि ठंडी अच्छी हवा है और सर्दी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है मगर गर्मी भी नहीं है। मेरा जो ना फारिग टाइम में ये काम बहुत होता है, मैं इधर अपने बैग शैग सीधे करके रखती रहती हूँ। आजकल मेरे पास क्योंकि ज़रा थोड़ी चीज़ें इसलिए भी बिखरी हुई हैं, मेरे कुछ कुछ इस तरह का चल रहा है कि मैं ज़रा ना इनको बहुत सारी चीज़ें अपनी मैंने आजकल पेंडिंग की हुई है, तो ये भी डस्टिंग हुई शायद इसकी सारी करके गई थी लेकिन अभी तक मैंने ठीक नहीं किया। ये पाउचेस मैंने उस दिन मैं गई थी ना ज्वेलर, तो मैं ये लेके आई थी पाउचेस, ये छोटे बड़े अच्छे बने हुए हैं पाउच हैं, ये आपके नॉर्मल ज्वेलरी रखने के बहुत ही अच्छे और क्यूट से पाउचेस हैं ये, तो ये मैंने लिए थे नॉर्मल, इसमें ज्वेलरी रखती हूँ। जो मैंने खाली से अपना गोल्ड वाला जो चोकर टाइप लिया था जो अच्छा लगा था सबको और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, वो मेरी बहन ने सादिया ने ले लिया है, तो कल जाऊँगी अब नया लूँगी मैं, उसमें सिल्वर और गोल्डन दोनों लूँगी। एक उसमें मल्टी कलर आया हुआ वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कल अब जो मैं कह रही थी ना कारपेट की शॉपिंग वगैरह के लिए जाना है, वो एक्चुअली अब मैं कल जाऊँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कल होपफुली वो मार्केट खुली हुई होगी। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दिखाए हम सब लोगों को और अपना दिल थोड़ा सा हम सबको चाहिए बड़ा करें, मैं आप लोगों को नहीं कह रही होती अपने आप को कहती हूँ ज़रा सा बड़ा करना चाहिए। एक्चुअली सब जो चीज़ है ना वो सोचने पे है, कभी कभी आपको कोई छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी लग सकती है और बहुत बड़ी चीज़ छोटी लग सकती है, तो बेहतर यह बड़ी चीज़ छोटी लगे ताकि छोटी सी ज़िंदगी है हंसी खुशी गुजर जाए। और मैंने एक और चीज़ देखी, जब मुझे कभी बहुत गुस्सा आता है ना बाद में मुझे बड़ा पछताना पड़ता है। क्या ख्याल है आबिद आपका? मैं तुझे जान गई, कल मिलेंगे किसी और बात के साथ, किसी और चीज के साथ। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है।